सो हाय एवरीवन, ये मेरा चैनल है रिदम ऑफ नेचर एंड लाइफ। तो लीजिए से देखिए आपको कुछ, क्योंकि मेरा क्या है, फैमिलियर रहता है, मैं मेरी ज़िंदगी में जो भी हुआ है मैंने देखा है, मैं उसी के बारे में बोलती हूँ। ना ही मैंने किसी का पर्सनली नाम लिया है। एक मेरा जो चैनल है वो सोशल लेवल पे मैं जो भी वो बातें मैं बोलती हूँ, टेक्निकल लेवल से मैं बहुत दूर हूँ, ज़्यादा नहीं आता मुझे, थोड़ा थोड़ा आता है उसके बारे में। तो जो भी बातें हैं मैं जो बोलती हूँ वो मेरे मुझ पे जो बीती है वही बोलती हूँ मैं। तो अभी मैंने 2-3 बार कुछ शादी और दहेज के बारे में बोला था, तो फिर से बोल रही हूँ। शादी है जो है अपने इंडिया में तो बहुत ही मायने रखती है, लड़के की शादी हो लड़की की हो, तो एक लेवल रहता है, कैटेगरी रहती है कि कौन किससे शादी करेगा। अभी कोई डॉक्टर या इंजीनियर है तो वो उसी लेवल के ढूंढेंगे कि हमको भी डॉक्टर या इंजीनियर मिलनी चाहिए, कोई एक कोई और मैं कोई और मामूली एम्प्लॉई, मामूली नहीं बोलूँगी मैं, हर एक जो इंसान काम करता है वो अपने लेवल पर बराबर काम करता है। वो बहुत ही ज़्यादा सपने देखे तो वो गलत है। कोई बहुत बड़े यूट्यूबर है तो अपने बिजनेस पार्टनर भी वैसे ही ढूंढेंगे कि उनका और उनका बिजनेस आगे चलकर बहुत आगे ग्रो हो, उनके लिए, उनके फैमिली के लिए। तो ये कैटेगरीज होती है हर चीज़ की, हम उससे ऊपर नहीं जा सकते और उससे उनसे बराबरी भी करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये नॉर्मल सी बातें हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ये बातें सभी जानते हैं। किसी गवर्नमेंट सर्विस हो तो वो शायद गवर्नमेंट सर्विस वाली ही लड़की देखेगा, या फिर अच्छी तरह से एजुकेशनल वाली लड़की देखेगा ताकि आगे चलकर वो भी कुछ कर सके। अगर आप किसी अपने घर में अगर बहू लाते हो उसको आप वर्क करवाना चाहते हो, कोई कोई फैमिली रहती है जो नहीं चाहती कि उनकी बहू बाहर जाकर काम करे, तो ये होता है। तो अभी शादी की बात आ गई तो मैं बहुत लोगों से बोलना चाहूँगी कि अगर किसी लड़की की शादी होती है, जैसे वो जो यानी बातें चलती है शादी की, जब वो बातें पूरी यानी फिक्स हो जाती है, तो बहुत बार ऐसे होता है, हो चुका है और मैंने खुद देखा है, शादी जुड़ जाने के बाद कोई और जो बोलते हैं ना आग लगाने वाले, वो जाकर बता देते कि वो लड़की ऐसी है वो लड़की वैसी है, वो तुम्हारे घर की बहू नहीं बन रही ना, हो गया तो किसी और के घर में जा रही है तो जाने दो। तो मेरे बड़े पापा के लड़के थे, उनकी है, उनकी शादी हुई थी, यानी बातें चल रही थी उनकी, शायद एंगेजमेंट भी हो गई थी, लेकिन बाद में किसी ने बता दिया कि वो लड़की बहुत ही गलत है, किसी और के साथ उसका अफेयर है, तो वो शादी तोड़ दी गई, यानी हमारे परिवार की तरफ से ही वो शादी तोड़ दी गई। यानी वो जी वो लड़की थी वो एजुकेटेड थी बहुत, उनको एजुकेटेड ही चाहिए थी, नियर बाय ग्रेजुएशन थी, तो ग्रेजुएशन थी वो लड़की, बाद में वो शादी टूटी गई, उस लड़की की शादी कहीं और हो गई, किसी और घर में एक दो महीने में, या फिर तो जो थे वो टीचर थे जिनसे उनकी शादी हुई। शादी होने के बाद वन ईयर वो लेडीज रही अपने ससुराल में, एक साल के बाद उसको बच्चा हो रहा था, तो वो पता नहीं वो एक साल के अंदर उसने क्या क्या सहा, किसकी क्या क्या बातें उसने सुनी होगी, और जिस इंसान ने पहले आग लगाई उस इंसान ने जाकर शायद उसको भी कुछ बताया होगा। तो वो लेडीज जो बच्चा हो रहा था उस वक्त, उसने बच्चा नहीं होने दिया, पूरी सांस उसने ऊपर खींच ली अपनी तरफ, बच्चा होने ही नहीं दिया उसने। उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं बता सकती, ये जानकार लोग जानते हैं उसके बाद क्या होगा, अगर बच्चा हो रहा है और लेडीज सांस अपने ऊपर खींच रही है तो बच्चा अटक जाएगा, बाद में क्या होगा। तो ये इस तरह का होता है। तो आप जो जिस इंसान ने भी भड़काया होगा ना, उसने एक नहीं दो दो जिंदगियों को बर्बाद किया, और उसका हत्या का जो पाप है वो उसे ही लगा होगा, उसका आगे जाकर क्या हुआ पता नहीं। लेकिन मेरे भी भाई की शादी अच्छे लड़की से हुई, सेकंड नहीं
शादी हुई तो वो भी मेरी फ्रेंड थी, जब हमें पता चला कि ये वो लड़की है, मैंने कहा ये तो मैं साथ में खेलती थी हम। तो ऐसा होता है, देख कौन से रिश्ते कहाँ जुड़ जाए ना पता नहीं चलता। तो रिश्तों की बात आती है तो अपने घर में लड़की रहती है, बहन रहती है, भाई रहते हैं, सबकी शादी होती है। तो जो भी है इस तरह का, आप कुछ भी करते हो किसी की ज़िंदगी में, इस तरह दखल अंदाजी देते हो ना, उस वक्त ज़रा सोच लिया करो कि हमारे आगे पीछे भी कोई है। इतना घटिया बन करने की ज़रूरत नहीं, किसी के फ़ोन में जाकर मैसेजेस चेक करोगे, हैक करके उसका फ़ोन चेक करोगे, किसी के फ़ोन में क्या फ़ोटो है क्या है, आप लोगों को क्या करनी है। जब भी मैं बता रही हूँ, मेरा जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ, किसी को मैसेज भेजती हूँ किसी को भी, तो मेरा फ़ोन ये हो जाता, रिस्टार्ट हो जाता है अपने आप में। तो भाई तू भी जो भी है, तू भाई है बहन है, तेरा ना कोई बॉयफ्रेंड मेरे लिस्ट में है ना तेरी कोई गर्लफ्रेंड मेरे लिस्ट में है, और मुझे से किसी से कोई लेना देना नहीं है। तेरे को जो भी बातें करना है ना सामने आकर बोल, तेरा कुछ बड़ा नुकसान करके तो मैं बैठी नहीं, और ना ही मैंने किसी का नुकसान मैं करती नहीं, क्योंकि मैं देने वाली हूँ, मुझे इस तरह किसी का चाहिए नहीं कुछ। जो भी है ना मैं मेरे बलबूते पर, तेरी इतनी औकात है ना सामने आके बात कर, तेरे को चूड़ियाँ चाहिए क्या पहनने के लिए, भाई भेजूँ मैं तो बोल, वो पहन के आ जा, कोई छक्का बन के आ जा, मैं तुझसे बात करूँगी आगे से, तू कौन है पता नहीं। लेकिन इस तरह किसी का फ़ोन मैसेजिंग करे या कुछ करे तो वो उनका पर्सनली, हम किसी बच्चे को कुछ ब्लेस दे रहे तो वो गलत है क्या? किसी को गॉड ब्लेस यू बोल रहे तो वो गलत है? ये बातें गलत है ना, तो आप भगवान के मंदिर में भी मत जाइए, कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई किसी को अच्छी तरह से बात कर रहा है और आप लोगों को वो गलत लग रही है, तो आप इंसान हैं या कोई और हो, मानसिक तौर पर क्या हुआ? तो इस तरह का ना किसी के फ़ोन में या कुछ भी करके आपको ज़रूरत नहीं कौन किसको क्या मैसेज कर रहा है। आप लोग बताते हो क्या, स्क्रीनशॉट दिखाते हो आप लोगों के, हमने किस किस को क्या क्या मैसेज भेजा है, किस किस के फ़ोटोज़ हमारे पास है, आप लोग दिखाते हो, अपलोड करते हो आप लोग? तो दूसरों के फ़ोन में घुसकर इस तरह देखना अच्छा लगता है तुम लोगों को? तू कौन है, तू कौन, लड़की है लड़का है? तू लड़की हो तो सामने आ, तू भी तू है कौन, तेरा कौन सा बॉयफ्रेंड मेरे लिस्ट में है? और मेरे जो भी इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे है ना, उसमें से 5 या 6 लोगों से मैं पर्सनली मिली हूँ, उनको अच्छी तरह से जानती हूँ। इतना घटिया काम वो लोग नहीं करेंगे। और रही दूसरी बात, तेरा कोई बॉयफ्रेंड मेरे लिस्ट में नहीं है, और होगा ना तो सामने मैसेज कर, सामने बोल। अब वाजी भाई तू किसी का फ़ोन या करी तो उसका नंबर भी जानती होगी, तो जब तेरी हिम्मत हो तो फ़ोन करना, तू है कौन, तेरी औकात क्या है? तू मेरे बराबर ही कभी नहीं कर सकेगी या कर सकेगा, क्योंकि जो पीछे से इस तरह का वार करते हैं ना, जो भी बोलना है सामने से बोलने का, पीछे से जो इस तरह से वार करते हैं ना, वो ज़िंदगी में ना खुद खुश रहते ना वो दूसरों का अच्छा देख सकते। मैंने किसी को मैसेज किया है तो मैं जो भी मैसेज करती हूँ सरेआम करती हूँ, किसी को भी लाइक करती हूँ, सबके सामने सब रहता है, ऐसा नहीं किसी को मैसेज हो जाता है इंसान कर लेता है। तो मैंने पहले भी कहा है इंसान कैटेगरी वाइज चलेगा। हम किसी बहुत ही बड़े इंसान को अगर मैसेज करते हैं, वो हमें रिप्लाई नहीं करता, तो क्या उस इंसान को काम रहते होंगे ना बहुत? ऐसा थोड़ी है कि वो सबको रिप्लाई देते रहेंगे, कभी ऐसा होगा तो खुद का काम कैसे करेंगे? कोई किसी को इस तरह ऐसे, ऐसा नहीं कि इंस्टाग्राम के या यूट्यूब पे सबके करोड़पति ही फॉलोअर्स होंगे, मिडल लेवल के भी फॉलोअर्स रहते हैं, तो उनको मैसेजेस भेजते हैं वो लोग, अच्छे मैसेजेस भेजते हैं। किसी का 2-3 लोगों का मोटिव शायद गलत हो, लेकिन कोई इस तरह के गलत मैसेज तो नहीं भेजेगा, वो जवाब नहीं देते। ऐसे हम जैसे मिडिल क्लास वाले, ऐसे उनके घर के सामने ना कार लेकर घूमते होंगे, 56 कारें लेकर घूमते होंगी लड़कियाँ, तो इस तरह का होता है। किसी ने रिप्लाई नहीं दिया तो मजाक उड़ाएंगे, अरे उसको तो रिप्लाई ही नहीं मिला तो तुम्हें क्या ज़रूरत है ना उनके अकाउंट में घुसकर इस तरह का छानबीन करने की? खुद की माँ बहनों को देखो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे,
इस तरह दूसरों के पर्सनल लेवल पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी को, किसी का कोई देकर नहीं बैठे है। अगर दिया हो तो मांग लो, मैं दे दूंगी, मैंने तुम लोगों का लिया है ना कुछ, तो मांगो मुझसे, मैं देती हूँ तुम्हें, मुझ में बहुत हिम्मत है देने की। कुत्तों से लेकर मैं सबको बांटती रहती हूँ, कपड़े है, पैसे है, सब बांटती हूँ, तुझे भी दे दूंगी। तुझे कुछ चाहिए, कुछ चाहिए या किसी से दोस्ती करने, मेरे फ्रेंड लिस्ट में तुझे किसी से दोस्ती करनी हो, किसी से बात करनी हो, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करके तेरी बात करवा दूंगी। मुझे इससे कोई शर्म नहीं है, मैं किसी से बात करती हूँ, मेरे मन में रहता है वो मैं मैसेज करके भेज देती हूँ। मुझे ऐसा नहीं कोई मुझे रिप्लाई करेगा, वो इतने बड़े लोग रहते हैं, वो कभी मैसेज देखते भी होंगे या नहीं देखते होंगे, ये उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन एज अ किसी को हम अपना मेंटोर मानते हैं, किसी को बारे में अच्छा सोचते हैं, तो उनको दो बातें बोल देते हैं, लिख देते हैं, ये इस तरह का बातें होती है। ऐसा नहीं कि वो इंसान रिप्लाई दे, नहीं दिया होंगे उनके, उनको काम होंगे बहुत, उनकी अपनी फैमिली है, उनका अपना बिजनेस है, उनका वर्क है, तो दूसरे अगर कोई इस तरह का करते हैं। मेरा फ़ोन में एक वीडियो बनाने जाऊँ, कई लोग बोलते हैं अपनी पर्सनल बातें ना बताएं, लेकिन जब तक आप अपनी पर्सनल बातें कभी कभी नहीं बताओगे, सबको पता नहीं चलेगी। जब तक, जब भी मैं एक भी वीडियो बनाऊँ ना, 2 मिनट का, 5 मिनट का, फ़ोन इतना हीट हो जाता है मेरा सिर्फ वीडियो बनाने से, जबकि मैं मेरा नेट बंद के भी वीडियो बना, बंद करके वीडियो बनाती हूँ। इतना गर्म, इतना हॉट होता है, ऐसा लगता है खाना उसी पे बना, गैस तो बच जाएगी ना मेरी, यानी 3 महीने मेरी गैस चलती है तो 6 महीने चलेगी, ऐसा मैं कभी कभी सोचती हूँ। इतना हीट हो जाता है, कभी कभी डर है कि ये ना हो जाए, ब्लास्ट ना हो जाए। तो कोई वीडियो बना रहा है, कुछ कर रहा है, तुमको व्यू देखते नहीं आता, यूट्यूब पे जाता है तब, वहाँ जाके शर्म आती है तुम लोगों को वहाँ देखने के लिए, क्यों? व्यूज़ बढ़ जाएंगे, एक व्यू बढ़ने से कुछ नहीं होता, जो जिनके जो व्यूज है ना उनके देखो, तब जाके सब कुछ मिलता है, ये जानते हो सब लोग। तो ये एक वीडियो से, 2 मिनट के वीडियो से, वो भी तुम लोग देखते हो, फोटो खींचो, किसी की फ़ोटो है, क्या करना है तुम लोगों को? तो इस तरह का ना घटियापन ना करो, बात करनी है सामने से कर लेना जो भी बातें हैं। मैं किसी को नंबर भी देती हूँ तो कोई इंसान मुझे कॉल करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है किसी का, कौन किसको फ़ोन कर रहा है, किसको बात कर रहा है, कोई ज़रूरत नहीं किसी को देखने की इतना। तो इस तरह का जो है ना करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो इंसान अच्छा होता है ना उसके शक्ल से पता चल जाता है वो कितना अच्छा है, उस चमक रहती है, उजाला अपने आप आ जाता है। तुम दूसरों की बुराइयाँ जब करते हो ना, तो न जाने अभी क्या क्या होता है, वो तुम ही जानो। जरा खुद की तरफ ध्यान देना, दूसरों की तरफ ज़्यादा नहीं। तो इस तरह ये कोई वीडियो बना रहा है उसी को टारगेट करोगे, ये लाइटिंग रहती है अलग, क्या रहता है, क्या तुम्हें क्या करना है, कैसा क्या रहता है, वो अपना अपना क्ल्यू रहता है। तो ये इस तरह का ना घटियापन ना करें, जिनको जो अपनी ज़िंदगी से था, तुम लोग बहुत कुछ दे रहे उसको, बहुत कुछ सब कुछ दे दिया उसकी, अपनी धन दौलत उसको दे दी, पैसा दे दिया, उसकी ज़िंदगी तुम्हारी वजह से चल रही है, वो मेहनत ही नहीं कर रही है, या कोई मेहनत नहीं कर रहा है, सब कुछ हम दे रहे हैं उसको, हमने उसको मोबाइल भी खरीद कर दे दिया, लैपटॉप दे दिया, उसको घुमा रहे, खिला रहे, पिला रहे, सब कुछ कर रहे, तो आप किसी को हैक कर सकते हो और उसके बारे में सभी जानकारी रख सकते हो। लेकिन आपकी औकात नहीं है, जब किसी का 1 रुपया भी दे दी तो आपको इस तरह से उसके हर पर्सनल लेवल पे उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जो इंसान यूट्यूब पे है, व्हाट्सएप पे है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे है, इंस्टा पे है, वो सबको दिख रहा है सामने, फिर भी उसके पर्सनल लेवल पे जाके, उसके गैलरी में जाकर देखकर क्या मिलता है आप लोगों को, वही उधर जाता है। तो इस तरह का किसी का भी ना मजाक बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेवल ना पता चल जाता है। अभी कोई पढ़ा लिखा है, हम लोग पढ़े लिखे हैं, तो हमारी गलती थोड़ी है, पढ़े लिखे हैं भाई, पढ़ गए, लिख गए, आगे बढ़े हैं, हमारा अपना कॉन्फिडेंस लेवल है ये, तो क्या कर सकते हैं ना। अभी तुम 10वीं फेल रहोगे, 12वीं फेल रहोगे, तो वो तुम्हारा क्ल्यू है, तुम नहीं पढ़े आगे, हमारे माँ बाप ने पढ़ाया है तो हम आगे पढ़े हैं ना।
तो आता है बहुत कुछ, तो इस तरह का घटियापन करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी है, किसी ने मुझे दिया है ना, तो वो आकर मांग सकते हैं। मैं खुद उनको फोन करके बोलती हूँ कि आपको मैं कब दूंगी, और सर आपको, मैम आपको कब चाहिए आपके रिटर्न पैसे। मैंने खुद बोला है उनको फोन करके, लेकिन ये तो उनका बड़प्पन है। उन्होंने मुझसे ये नहीं बोला कि नहीं हमें अभी चाहिए या कभी चाहिए, उन्होंने कभी मांगा तक नहीं मुझे। एक हर बार ठीक है, आपको एक लेवल लगता है कि चलो इसे क्या है, किसी का रोज अगर इस तरह करोगे तो कैसे होगा। ये 2,000 का मोबाइल भी आपको सही नहीं होता, तुम्हारे अकाउंट से ट्रांसफर हुए थे दुकान वाले के पास आए होंगे तो बोला मेरे को लिस्ट पर दिखा दो अपनी अकाउंट की, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये फी का नहीं है, मेरी मेहनत के पैसे का है, तो तुम्हें यहाँ घुसकर देखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी है ना, जिसका है ना उतना मिलेगा ही, चाहे कोई कितना भी कुछ भी कर, जिसके नसीब में जो है वो मिल के ही रहेगा। धीरे धीरे आगे बढ़ेगा इंसान। तुम लोगों का सब कुछ है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस तरह गलत तरीके से किसी को टॉर्चर करो। जो भी हिम्मत है ना, जो भी बोलना है सामने आके बोलने का, इस तरह ये मोबाइल में ये करके वो करके क्या है ये। जब भी मैंने एक मैसेज किए थे कल इस पे यूट्यूब पे, मेरा फोन रिस्टार्ट हो गया है, मुझे पासवर्ड डालना पड़ता है हर बार। तो ज़रूरत क्या है आप लोगों को वहाँ उसको देखने की, किसको मैसेज भेज रही हूँ। और वो मैसेज भेजने से कोई इंसान गलत नहीं होता, आप किस लेवल का मैसेज आप भेजते हो ना किसी को, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप किसी को बहुत ही घटिया मैसेज भेजोगे, कुछ गलत वीडियो भेजोगे, तो आपका मानसिकता पता चलती है कि क्या है। लेकिन हम किसी को अच्छा भेजे तो चाहे वो पढ़े ना पढ़े, लेकिन एक नज़र भी डाले ना तो उसे पता चल जाता है कि किसी ने अच्छा भेजा है कुछ। तो ये आप जैसे गलत लोग हैं ना, तुम जैसे, तेरे जैसे, तू जो भी है, मान सम्मान देने का कुछ यहाँ ये नहीं है, कौन मान देगा तुम लोगों को ना। इतना तुम्हारा नीचा लेवल है तो मान कौन देगा तुम लोगों को, है ही क्या तुम्हारे पास। ये यही काम करते हो क्या, इसी से कमाई होती होगी तुम्हारी, किसी का फोटो कहाँ लगा लिए, किसकी का क्या, इसी से कमाई करते हो क्या, खुद मेहनत नहीं करते। तुम्हारी इतनी घर में कोई तो होगा, बहन होगी, उनका तस्वीर लगा और कमाई करो। छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक न जाने लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, उन्हीं से कमाई करो। ये क्या दूसरों की तस्वीरें देखोगे, ये देखोगे, क्या होता है, क्या हो रखा होगा किसी की, किसी हमने किसी की तस्वीरें लगा के रखी है अपने, हमने अपनी गैलरी में रखी है, इसका मतलब नहीं है वो इंसान ज़िंदगी में आ जाएगा। एज अ मेंटोर है अपने, हम उन्हें मानते हैं तो ठीक है, किसी की तस्वीर रहती होगी, रखते हैं सभी लोग, सबकी गैलरी में होती है, कोई ना कोई किसी को पसंद करता है तो रखते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो इंसान ज़िंदगी में आ जाए, ऐसा कभी होता है क्या। तुम लोग खुद सोच सकते हो क्या, तुम किसी लड़की को नहीं चाहते कि हमें मिले, या कोई लड़की नहीं चाहती कि वो इंसान हमें मिले, तो नहीं मिलता, बदनसीब ही समझ लो, या मेरे हमारे नसीब में ही नहीं है जो इंसान। तो गैलरी में है तो है, तो क्या हुआ, है इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी लड़की को परेशान करना चाहते हो, किसी लड़की को चाहते हो या कुछ भी, तो हम उसके गैलरी में यानी एंटर कर करके उसका हर एक डाटा देखे, जरूरी है। ये सबसे दुनिया की ना सबसे घटिया हरकत है मेरे हिसाब से। ऐसा नहीं कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है, पता बहुत कुछ है, लेकिन इस तरह की गलत, इस तरह का मैं मेरी बहन के फ़ोन को भी टच नहीं करती, किसी के फ़ोन को, किसी के बैग को विदाउट परमिशन अगर टच करते हो ना या यूज करते हो तो ये गलत बात है। हाँ, वो आपका अपना फ़ोन आपके पास देता है, पासवर्ड देता है, तो बात अलग है, लेकिन हम किसी के बैग को चेक करें, किसी का फ़ोन इस तरह करें, तो कितना गलत सोच है ना आप लोगों की, तुम लोगों की, तू है कौन है पता नहीं। ज़रूरत क्या है वहाँ जाने की, जो है सामने है, क्या देखना है इसमें। मुझे ऐसी खूबसूरत लड़कियाँ मैं खुद देखती हूँ, मुझे लगता है कि कितनी खूबसूरत लड़की है, तो इसमें है क्या, नॉर्मल है ये सब, और सभी के पास है।
उसके पास अलग, उसके पास अलग, ऐसा तो कुछ है नहीं ना। वो क्या ना, इंसान अच्छा रहता है ना, उसके चेहरे पे अपने आप चमक आ जाती है, किसी को देना नहीं पड़ता, ज़्यादा फेशियल वगैरह की करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप आ जाती है। अभी कोई अंधेरे में रहता है तो अंधेरे में रहे, हमारे घर में अपने आप रोशनी आती है तो आती है, हमारा घर रोशन है, हमारे विचार रोशन है, अच्छे विचार, अच्छा सोचते हैं हम किसी के बारे में, ये नहीं बोलते कि गलत किसी को हम भेजे भी तो ना गॉड ब्लेस यू या कुछ ऐसा भेजते, गलत तरीके से कोई मैसेज नहीं जाता मेरा। और किसी को मैंने भेजा भी होगा ना तो बहुत ही समझदार लोग हैं, मेरी ज़िंदगी में जो भी आए ना उन्होंने गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने मुझे समझाया कि ये गलत है। तो ऐसे लोग हैं मेरी ज़िंदगी में, कम से कम तुम जैसे घटिया लोगों की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो बस इतना ही बोलना चाहूँगी, थैंक्स एंड बाय।